सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके तीन प्रमुख मापदंड हैं। शारीरिक स्वस्थता, जिसमें कि मनुष्य सभी आवश्यक शारीरिक गतिविधियां कर सके। मानसिक स्वास्थ्य, जिसमें आध्यात्मिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और सामाजिक स्वास्थ्य, इन तीनों के मिश्रण को स्वास्थ्य माना गया है। और शायद कहीं ना कहीं हम इन्हीं चीज़ों को खोते जा रहे हैं इस आधुनिक जीवन शैली में। बदलाव के इसी दौर में हम अपने पीछे छोड़ आए हैं बेशकीमती पारंपरिक खजाना, और इसी खजाने में आती है हमारी भोजन शैली, जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। और हम इस आधुनिक जीवन शैली के कारण मोटापा, हृदयघात, उच्च रक्तचाप जैसी बहुत सी बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। पहले और अब में तो दिन और रात का अंतर है। दिन और रात का चाय नहीं थी मेरे टाइम में, थोड़ी थोड़ी आई। अच्छा, चाय पहले उठते ही दही और खिचड़ी खाओ, खेत जाओ। उतर जानती भी चाय ही कोनी मतलब चाय ही कोनी। सुबह सुबह अब चाय पिया पहले, चाय पिया पहले माले खिचड़ी दलियो पहले। साथ में तने बता दे, मेरे देखना देखना भी कोनी। और कोई आदमी की कह नहीं तो 35 साल बाद बाद में सो दो सिस्टम हो गया सारो सारो। अल्प आहार के रूप में ली जाने वाली मोट बाजरे की खिचड़ी स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। यह ग्लूटेन फ्री डाइट है और विटामिन और खनिज जैसे पोटाशियम, मैग्नीशियम का समृद्ध स्रोत है। और अगर हम प्रोटीन की ज़रूरत के लिहाज से देखें तो यह एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि अगर हम मोठ बीन के प्रोटीन की बात करें तो 100 ग्राम मोठ बीन में लगभग 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलती है। वहीं दूसरी तरफ 100 ग्राम बाजरा में लगभग 10 से 15 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। इसलिए प्रोटीन के लिहाज से मोठ बाजरा की खिचड़ी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। या चक्की पीसो, इया करो, इया करे वो महाराज बतावे नहीं। तो इया करने की आवश्यकता ही कोनी, बिलोनो बिलोनता इया 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 करता तो वो सारे शरीर को सर्कुलेशन बन जाता, मतलब या खून को सर्कुलेशन सर्कुलेशन बन जाता। चक्की पीसती चक्की पीसती लुगाइया ऑटोमेटिक ही पसीना एकदम कुर्तिया भीज जाता, सारी सारी बीमारी जकी नष्ट हो जाती, एक्सरसाइज हो जाता। अब लुगाइया गैस बन रही है पेटा में, यहाँ यहाँ देखा नहीं है, इन तरीके की कौन होती पेट बिल्कुल पता कौन लागत मोटापा आ रही है। बंगा बाजू मोटा होता क्यों, व्यायाम करता नहीं था, भूख किया बाकी यार मोटा होता, बिलोना करता था, मजबूत होता हार्ड है उसको मजबूत हो। पहले का खान पान बढ़िया था, हाथों से व्यायाम किया जाता था, सारे कार्य हाथों से किए जाते थे। अब कलयुग में सारे काम मशीनरी से होते हैं। औरतें थी, सुबह उठती थी, पीसती थी चक्की पीसती थी आटा, मतलब आटे की चक्की नहीं थी मेरे याद आने में, हाथ की चक्की से आटा पीस के खाया जाता था। हाँ, वो आटा बहुत शुद्ध होता था। अब आटा पीसते हैं 15 दिन को, अब 20 दिन का खराब हो जाता है और वो गुणवत्ता भी अनाज में नहीं है। और औरतें व्यायाम करती थी, भैंसे रखती थी, उसका दूध निकालती थी और बिलोना वगैरह भी करती थी। हाँ, हाथों से बिलोया करती थी, उससे साथ में एक्सरसाइज भी हो जाती थी। हाँ, एक्सरसाइज होती थी, हर तरह का व्यायाम औरत को मिलता था। जितने भी कार्य हाथों से कुत्र काटते थे तो हाथों से कुत्र काटते थे। पुरानी जीवन शैली में सब्जियां लंबे समय तक काम में लेने के लिए धूप में सुखाकर तैयार की जाती थी, जैसे गवारफली, काचरी, सांगरी, पापड़, बढ़िया, खेलरी इत्यादि। सर्दियों में तो खेलरी,
पोपड़िया अच्छा कचरे चटनी बनाता बाजरी का रोट अच्छा केंद्रिया सब्जी अच्छा रायता गर्मिया मौसम में पापड़ा की सब्जी बढ़िया की सब्जी सांगरिया की सब्जी हैं मोठ बाजरी की खिचड़ी दही लासी ठीक है और कुटेड़ी बाजरी की राबड़ी लासी बनांदेड़ी रोटी के प्रकार की बनाता रोटी दो प्रकार की तीन प्रकार की बनाता मिस्सी बना देता चिनांगी चिनांगी जोवांगी जोवांगी जो छड़ गए बड़ी स्वाद लगती पुदगुदी खाता और बाजरी बनाता तीन प्रकार की बनाता जो खाना लगा मत कर दियो कहीं जो हो ठंडो रोटी मतलब क्या चीज बनाता है बाजरी की रोटी बाजरी की मिस्सी हाँ कलक की मिस्सी चिनांगी रोटी अच्छा रोटी पर मना जा टूटा कौन बना जो अपने छड़ती पहली दवाई छड़ती उंगली मार के उंगली मार के कूट के छड़ती हाँ अच्छा छोटू उतर जाता ऊपर फिर गंगे चिनांगी बांगी मिला के रोटी कर लेंगी चिनार जो हाँ बाजरी के बाजरी क्या नहीं बाजरी तो मिला दिया चिनार जो मिला के रोटी करती हाँ अच्छा तो पहली मान लो बाजरे की चिनाई खाता रोटी जोगी खाता हाँ सारे प्रकार को नाज खा लेता खा लेता मोट की खिचड़ी अब तो कनक की कनक पर जोर दिया रखे लो पुरानी जीवन शैली में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला अनाज बाजरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने के कारण वेट मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज और बाजरे का लो ग्लाइसमिक इंडेक्स होने के कारण डायबिटिक पेशेंट के लिए भी उपयोगी है और प्रचुर मात्रा में आयरन होने के कारण हीमोग्लोबिन को भी बढ़ा सकता है खीर पहली बड़ी विशेष स्वाद को बनाया खीर में गिरता है चावल है जो शक्कर ऊपर है गुड़ को शक्कर ऊपर या मीठे ऊपर बात चीनी को गिरता है चीनी के लिए बनाओ ऊपर या शक्कर गिरता है बस स्वाद खीरियां उल्टी बा को डालने की खीर सुबह दूध बनावा बा आरे में रख दिया वे में गिर जाए चावल बा पूरे दिन गर्म होती गर्म होती गर्म होती बस शाम में हां सारा दिन संस्कार लिया कोनी घी तपावे चूंटियो वो मंदा मंदा आंसू बिल्कुल मंदा आंसू माड़ माड़ा माड़ माड़ा यहाँ जाग सा चढ़ बोग रहेगा तो वो घी गए मान मतलब है जका बिना पोषक तत्व है मैं खत्म कोनी होनी खिचड़ी मोठ बाजरी की खिचड़ी सीजती उछलती दाणो दाणो उछल उछल के बाहर ने आंडी के बाहर ने ताइए लग जाता पेट को बाहर पास फिर पेट दो गिर फिर वह खिचड़ी खाता बर्तनों में मिट्टी के बर्तनों में बनाते थे हाँ वो भी कारण है उससे भी भोजन स्वादिष्ट होता था पुरानी जीवन शैली में लोग भोजन को विशेष तरीके से तैयार करते थे वे अपने भोजन को कम आंच और मिट्टी के बर्तनों में पकाते थे मिट्टी के बर्तन क्षारीय प्रकृति होने के कारण भोजन की अम्लीयता को संतुलित करते हैं जिससे भोजन का पीएच संतुलित रहता है और भोजन स्वाद और स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा बनता है जब हम मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते हैं तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन जैसे मिनरल्स भोजन में सम्मिलित हो जाते हैं मिट्टी के बर्तन में धीरे धीरे पकने के कारण भोजन में नमी और ऑयल बना रहता है जिससे भोजन में ऑयल कम डालना पड़ता है और भोजन की सुगंध स्वाद बिना पोषक तत्व खोए बना रहता है मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाने से प्रोटीन लॉस या प्रोटीन की क्षति बाकी धातु के बर्तनों की तुलना में बहुत कम होती है जबकि वसा की क्षति अधिक देखने में मिलती है बिका कौन सी छोड़ेगा काम तो अच्छा बिका का आगे बढ़ेगा काम चले कुमारा हूँ तो क्या है शारीरिक व्यायाम घट गया तो शारीरिक क्षमता है वो भी घट गई मानव में बीमारियां फैल गई चिड़चिड़ापन आ गया
जो अब कैंसर जैसी बीमारी है वो पहले थी क्या? नहीं थी, नाम भी नहीं सुना था। पहले तो महामारी में चेचक समझी जाती थी, छोटी माता और बड़ी माता जिसे बोलते थे वो बड़ी बीमारी थी। टीवी को बड़ी बीमारी मानते थे, ये दो ही बीमारियां थी। एक्सरसाइज अपने आप कम हो, अपने आप एक्सरसाइज कम हो गई तो जनरेशन भी कमजोर होती जा रही है। जनरेशन कमजोर हो गई, दिखने को तो ये मोटे दिखते हैं लेकिन इसमें ताकत नहीं है। दो मन ढाई मन वजन एक आदमी उठा कर ले जाता था। दो मन मतलब किलो में कितना माने? किलो का हिसाब लगाएं तो कितना हो जाएगा? दो मन 80 किलो। जो मतीरों के बीज होते हैं वो भी खाते थे? बिल्कुल बिल्कुल, उन बीजों को भूंद के खाने में तो स्वाद ही और था। पकाए हुए तरबूज के बीजों को खाने की चेष्टा और भी बढ़ जाती है जब हम इनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों को देखते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। 3 दिन ज्यादा जुकाम रहे, जुकाम रहे तो कोई कोई गोली लेने के बिना पता ही हो तो राबड़ी पी लेता। बाजरी घाटे की राबड़ी ताती ताती पी के सुरक्या सुरक्या फिर वो भी ऑटोमेटिक एयर कंडीशन बेचारा नहीं होती, वाह गर्मी भी कौन होती, वाह सर्द भी कौन होती, वाह भाई मतलब जी हम मतलब वातावरण अनुकूल भी शरीर ने ऑटोमेटिक तैयार कर लेता। बडेरे तो गए नामुनी हो गयो टबर का और सुख हुआ है। मैंने अनार को छोड़ो घस गए, अनार को जो छिलको है छिलको ऊपर लो, बड़ो कारगर चीज है वाह वाह बहुत यहाँ घस गए। अरे एक जायफल है, जायफल थोड़ सुख यहाँ घस गए, अपूट कांटो है एक आठी लाज वो अपूट कांटो पुट्ठा कांटा होने बिंगा बिंगा पिता दाना अरे बंद रगड़ गए नानो अरे मंग वो छमक के वो गूंटियों देता वो 2-3 गूंटियाँ और सो छाती जाम अड़ी बात बच्चा की ऑटोमेटिक सही हो जाए। नमूनी बिल्कुल ठीक बताऊँ अब रही कौन लोग अब क्या मानसिक तनाव हो गयो? मानसिक तनाव हो गयो वो इससे हो गयो कि लोग संस्कार को रहे हो एक दूसरे से बतल कर वो मानसिक खत्म हो जाए। वो एक दूसरा आदमी वो शाणु आदमी लड़ी आई सी अगर किसी किसी की विपता देखी है यार वहाँ विपता वहाँ कर निकलिया आंध में जली थे भी जलो संकट अंता अंता रहे कोई बुरी बात को नहीं। पुराने खाने पर जे जनता नहीं आवेगी नहीं तो अब बीमारी कोरोना आ गई पुराना आ गई ब्लड फ्लू आ गई और पूरा आ गया वहीं जो संस्कार वह पुराना पर पाछा बहाल हो तो जाए तो ठीक है ऐसा बात खराब ही है। मतलब अपन पुराना खाने पर जानो ही पड़ेगा जाया ही ना को लगे उन्हें कौन ना को लगे अब सात दिन दवाई खा खा के दवाइयाँ पर कितना दिन दिख सके नहीं तो रोग बढ़ते ही जाओ रोग बढ़ते ही जाओ तो वो एक बीमारी अब अंग्रेजी दवाइयाँ एक बीमारी को इलाज करेगी दो बीमारी और लगाएगी। गांवों के बुजुर्गों का मानना है कि अनाज की गुणवत्ता में भी आधुनिकीकरण के बाद कमी आई है। ज्यादा होने वाला अनाज बीजन लग गया। अच्छा मिलावट आरो? हाँ नफरी ज्यादा बद गई मानस आगी। अच्छा नाजगी हो गई कमी। हाँ नाजगी कमी हो गई ए बनाए लो बीज नहीं बना के दुआई गिर के अरे वो कसरे हम गल गल गिर अपन बीज दे अरे अपन जा गिर बीज दिया बीजा दे ना तो मोट बाजरी खिचड़ी स्वाद हुए पहली घी बठे पड़े तो नहीं अठे बैठे ने सोरे माउंटी खुशबू इतनी बढ़िया होती की। हाँ अरे अब ये थाली में गाल देनी तो ये घी खाए पानी खाए स्वाद को नहीं ना दिमाग सुध रही हो ना यादगिरी रहे ना सुने अद्धो सुने और नाजुको खोट है कबिंग का रिएक्शन करे कणक कणकियों करे रिएक्शन है कबिंग में जहर है जिद करे नाज की नहीं रिएक्शन करे हो गए नाज खा गए तो अपा खड़े हुआ अरे बाजरी की पुट्ठी कबिंग कणक रिएक्शन करेगा बाजरी की खाओगे तो बाजरी में तो जहर पड़े को नहीं जहर हो गए जमीन में ही जहर है मनसा में जहर खराब हो गया। अब
अनाज खराब हो गया नहीं है, अपन लोगों ने कर दिया है। अच्छा, जनसंख्या ज्यादा होने के कारण पैदावार ज्यादा लेने के लिए केमिकल डालते हैं, केमिकल से कीटाणु पैदा होते हैं और पावर हट जाती है। इस कारण से प्रकृति को अपन लोगों ने ही दूषित किया है। ये प्रकृति का खोट नहीं है, अपना खोट है। यह तो हाइब्रिड बीज आ गया, तो हाइब्रिड बीज में उत्पादन क्षमता तो अधिक होती है, परंतु उसमें जो स्वाद गुणवत्ता होती है वो देसी बीज की तुलना में हाइब्रिड बीज में कम होती है। इसकी वजह से स्वाद घट रहा है। दूसरा मेजर कारण, अपने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र इस समय में बहुत अधिक अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद में अपने आधुनिक इस युग के अंदर मशीनीकरण का भी हमने अंधाधुंध प्रयोग किया है। पहले क्या है कि देसी हल से भूमि की जुताई करते थे 4-5 बार, तो इससे क्या है कि भूमि के अंदर नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती थी। तो वर्तमान में ऑर्गेनिक मैटर जो होना चाहिए था 0.75, जो वर्तमान के अंदर क्या है कि 0.25 से 0.30 है। बहुत ही बिल्कुल दयनीय स्थिति है ये। अपने ऑर्गेनिक मैटर जैविक कार्बन की बात करें तो एक थिंकिंग है लोगों की कि अगर जैविक खेती करेंगे तो हमारी उत्पादन क्षमता वो घट जाएगी, तो इसका एक मुख्य कारण भी है। उत्पादन क्षमता जितनी घटेगी उसकी तुलना में लागत भी बिल्कुल कम आएगी। पहले का खान पीन इस तरह सी भाई, दूध दही लस्सी देसी खाना सी। आ जड़ा पिज्जा है, बर्गर है, कदे कोई नवी तो नवी है सेवियां जी बना दे, ये बेकार है, ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। देसी खाना खाओ ते ठंडे से नहाओ। आजकल बिना अस्पताल तो बच्चा नहीं होता। पहला बच्चा होता सी पिंड ची, अनपढ़ी दाई होती सी ते अनपढ़ी ज्यादा बुढ़िया होंदिया सी। राजदाई आ गए। अच्छा, कमजोर खाना पीना हो गया बेटा, चाह दियो दबा दब दबा दबा चाह कौन देता माना राबड़ी खिचड़ी मोठ बाजरी की अर्दई का मैं दलियो गोलो और खाओ। अब छोटा नाम है अब छोटी शिक्षा शिक्षा किसी है कि कितनी छोटी शिक्षा आ रही है कौन यारी। पहले बडेरा की शिक्षा आती है बहुत घनी बुद्धि जनता बैठ गई पूरा बाजरी साहब ते इति रख के लपे बम गुड़ गिर दिया गुड़ फिर वाह वाह बाबा कूट के देती बा यो पाट गया एक जी कर जे बाजरी ब खड्डी पर स्वाद हो मैंने 50 साल ती मैं दवाई होनी बाकी मेरे कदी है टीका दवाई मारी ले डाई कोनी दवाई ली कोनी 50 साल तक ली कोनी ताप ही कोन जड़ी बुखारी कोन जड़ी सिर कोन दुखियो के कारण है खान पीन बढ़िया मैं खाना पीना मारो मेरा तो अब जा गया है टीका दवाई अब बेबस हो गया वो खानो वो मिलन लाग गयो सब। प्रकृति ने हर चीज ऑटोमेटिक जीव के लिए दी है और ज्यादा आदमी को सोचने की जरूरत ही नहीं है। प्रकृति ने जिस टाइम जिस ऋतु में जो चीज दिया उसका उसी टाइम सेवन किया जाए। कोई भी चीज फ्रूट ले लो आप, आज लोग शौक के तौर पर सब्जियां देखो आजकल कोल्ड स्टोर की आ रही हैं, ऑफ सीजन में खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते अरे आपके लिए तो बनाई नहीं है। सर्दी में गर्मी को कम करने के लिए भगवान ने बनाई, गर्मी के लिए गर्मी में खाने के लिए या पीने के लिए भगवान ने बनाई गर्मी को कम करने के लिए, और अपने खाए वो सर्दी में तो सर्दी में गर्मी की आवश्यकता है और वो चीजें अपने खा रहे हैं गर्मी को कम करने के लिए, तो ऑलरेडी गर्मी तो कम है ही, उसके तो साइड इफेक्ट आएंगे फिर नुकसान ही होगा उसका। तो अपना शुद्ध था प्रकृति वो दे रही थी वो खा रहे थे अपने आप ही स्वस्थ थे स्वस्थ था। इस बात का आंकलन लगा लो आप,
दवाई नाम की कोई गांव में चीज नहीं होती थी। मेडिकल स्टोर हमारे आप 20 साल के अंदर अंदर हुए, गांव में कोई मेडिकल स्टोर नहीं होता था, ना हॉस्पिटल थे और ना ये अपने डॉक्टर थे। एक आध पुराने आदमी कोई देता था जड़ी बूटी, किसी को बुखार हो गई तो कड़ू चरायता दे दो, कौन से, और यही दवाइयाँ थी और स्वस्थ आज की अपेक्षा बहुत ज़्यादा थे। अगर उस टाइम बीमारी होती तो फिर डॉक्टर तो थे ही नहीं, वो ठीक कैसे हो रहे थे, उसका ही है, ब्लॉकेज वगैरह उसका ही है। पहले रेयर केस में पहले तो हेडिटिंग मतलब कि पैतृक किसी के था ना तो कोई हो जाता तो अलग बात थी, बाकी ये तो आज के जिंदा नहीं था। आज छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक हार्ट अटैक ये था ही नहीं पहले, ये तो सीधा सा ही है अभी ज़्यादा मोटापे का कारण है। ये तो एक से एक डिजीज जो है ना, एक है उसके कारण बहुत हैं, एक बीमारी के कारण बहुत हैं। छोटी सी बीमारी होगी ना, जैसे मैंने आपको एसिडिटी वाले बताई दिए, इस तरह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, सिर्फ इसकी आहार की वजह से ही है, वो भी आहार की वजह भी है। हमारे पूर्वजों ने प्रॉपर मील टाइमिंग यानी भोजन के समय के हिसाब से सही व्यवस्थित किया ताकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रेंट यानी आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें जिससे वो दिन के सारे काम कर सकें। हमारी पुरानी जीवन शैली कहती है कि किसी भी मनुष्य या पशु के लिए संतुलित आहार या बेस्ट डाइट उसी एरिया में पैदा होने वाला अनाज होता है जिसमें वो रहता है। जैसे जैसे मौसम के हिसाब से अनाज चेंज होता रहता है वैसे वैसे ही हमारे पूर्वज अपने भोजन में अनाज को बदलते रहते थे। हमारी आधुनिक जीवन शैली में हम या तो एक सारे साल एक ही अनाज खा रहे होते हैं या फिर अनावश्यक भोजन जैसे कि फास्ट फूड खा रहे होते हैं। शायद वो अब समय आ गया है कि हमें अपने इंडियन ट्रेडिशनल फूड कल्चर को फिर से अपनाना चाहिए क्योंकि हर इंडियन ट्रेडिशन के पीछे एक डीप साइंटिफिक कारण होता है जो ना कि हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ करेगा बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ करेगा जो हमें पूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाएगा।